वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक में भरे मिले गाय और उसके बछड़े। यातायात प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि जब वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को कुसमोदा चौकी के पास रोका गया और ड्राइवर से पूछा गया कि ट्रक में क्या है, तो उसने बताया कि ट्रक में बारदाना भरा हुआ है। जब ट्रक के कागज मंगवाए गए और ट्रक को खुलवाने की कोशिश की गई तो इतने में ही ट्रक चालक एवं कंडक्टर वहां से भाग गए। जब यातायात कर्मियों ने ट्रक को खोलकर देखा तो उसके अंदर पशुधन था जिसे गौशाला भिजवा दिया गया है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था तथा इसका मालिक कौन है। वहीं इसके चालक और क्लीनर का भी कोई पता नहीं है। करवाना पड़ेगी लग गया हमें। नहीं नहीं वो पीछे वोट रख दो तो सट्टा ही डाली है। अरे जब पत्थर लगा दो नहीं होगा अब सही होगा वो काम करा ये अपनी जो वाहन चेकिंग चल रही थी कुसमोदा के आगे स्वास्थ्य होटल के पास, तो एक ट्रक था इसको रोका, हालांकि इसने रोका नहीं, थोड़ी दूर जाकर रोका। रोकने के बाद उससे जब पेपर मंगाए तो पेपर ले आया, उसके बाद उसने बताया इसमें बारदाना भरा हुआ है कोई माल। उन्होंने कहा माल के कागज लाओ। जब माल के कागज काफ़ी देर तक नहीं लाया तो उसको देखा तो वहाँ वो लोग भाग चुके थे और ट्रक में एक खिड़की थी ड्राइवर साइड में। तो संबंधित थाने को कैंट थाने को सपोर्ट कर दिया, जो ये कार्रवाई है अग्रिम कार्रवाई चल रही है। कितने हो गए, कितने हैं इसमें? अभी हमने गौशाला में खुलवाया है, 29 जानवर हैं, गाय हैं शायद बछड़े 29। तो कोई को किसी को पकड़ा है आपको? नहीं इसमें किसी को नहीं पकड़ा। जो ड्राइवर कहाँ से आ रहा था? ये अपने टोलना की तरफ से आ रहा था कुसमोदा चौकी के पास।